देख रहे हैं दिव्य शंकरण। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। यह दृश्य चौपाटी से श्रीनाथ जी मंदिर जाने के मार्ग के हैं। समय है राजभोग दर्शनों का। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सहित स्थानीय स्तर पर कोरोना का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। अन्यथा सप्ताहांत में यहाँ अच्छी खासी भीड़ रहती है जो प्रभु के दर्शन करने आते हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्रीनाथ जी मंदिर के नगारखाना द्वार के हैं। इसके बारे में हमने पूर्व में बताया था कि नगारखाना द्वार का पूर्णतः जीर्णोद्धार होकर यहाँ कलात्मक पत्थर लगाए जा रहे हैं। कार्य प्रारंभ हो चुका है और तेजी से चल रहा है, जो आपके समक्ष दृश्यमान है। निश्चित ही यह खुदाई वाले पत्थर लग जाने के पश्चात श्रीनाथ जी मंदिर के नगारखाना द्वार का रूप रंग निखर जाएगा। एक तथ्य यह है कि यदि आप इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन करने आ सकते हैं तो अवश्य आइए, आपको बहुत शांति एवं आराम से दर्शन होंगे। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहां रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहां। आज चैत्र कृष्ण अमावस्या प्रथम है, रविवार 11 अप्रैल 2021। प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं, क्योंकि आज श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा और तत्सुख की भावना से पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार ये ऐच्छिक श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं। ऐच्छिक श्रृंगारों के तहत आज श्री जी की साज सज्जा में बैंगनी जरी की सिल्मा सितारों के कशीदे के जरदोशी के काम वाली एवं हाशिया वाली बिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज के तहत गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख दो पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सन्मुख में प्रभु के धरती पर त्रष्टि धरी जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को बैंगनी जरी पर
सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए जाते हैं। इन वस्त्रों में सूथन, चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। प्रभु को पटका आज मलमल का धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र जो पीठिका पर धराए जाते हैं वह आज पीले रंग के धराए जाते हैं। श्री जी के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आवरण प्रभु को आज मोती के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो बैंगनी रंग के ग्वाल पगा प्रभु को धराया जाता है, जिसके ऊपर सिर पेच, पगा चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण के श्रृंगार में आज लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली दो माला जी धराई जाती हैं। तो प्रभु के श्री हस्त में चांदी के वेणु जी, पुष्प छड़ी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो श्रृंगार में वहां पर पेंजनियां, नूपुर व बिच्छियां मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट बैंगनी व गोटी बाघ बकरी की पधराई जाती है। प्रभु को आरसी नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे आभरण धरा दिए जाते हैं। तो शयन के दर्शन में श्री मस्तक पर पगा रहता है, लेकिन आज लूम दुर्रा नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत आज मंगला में प्रात समय नवनी कुंज द्वार, राजभोग में बैठे कुंज स्थली लालन, आरती में हरि को बदन सरोज, शयन में छबीले तरुण मदमाते हो, मान के पद में आज सुहावनी रात लालन आए, पोड़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पोड़े, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। दोस्तों, यह राजसमंद झील की आरती का दृश्य है। समाचार यह है कि श्री पुष्टि मार्गी तृतीय पीठ पन्यास के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में राजसमंद जिला स्थापना दिवस कल हर्षोल्लास से मनाया गया था। इस अवसर पर प्रातः द्वारकाधीश मंदिर परिसर में गोवर्धन चौक में स्थित मंडप हॉल में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से तृतीय पीठ के गोस्वामी वेदांत बाबा के सानिध्य में कोरोना का टीकाकरण 45 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए किया गया, जिसमें 100 व्यक्तियों ने यह टीका लगवाया। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों का समाधान अर्थात सम्मान भी किया गया। वहीं शाम के समय श्री वेदांत बाबा ने मंदिर के कर्मचारियों के साथ झील पर पहुंचकर राजसमंद झील का पूजन विधि विधान के साथ किया। पूजन मंदिर के पुरोहित पंडित बिंदुलाल शर्मा द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर झील में दीप दान कर महाराणा राज सिंह की छवि पर पुष्प भी अर्पित किए गए।
अब आज के भाव कीर्तन जो राग पूर्वी तथा ताल चौताल में है का श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। Oh.
शंकरन। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाट्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साय एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।